फिल्म में तो काफी रिवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे, फिर उनसे कैसे बात करते थे? अच्छा, अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली वो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपरली। एडवर्ड, हाँ, Edward. जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं सिर्फ मिल रहा हूँ, और जो गोरा उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। तो मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय, मैं कहा उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूँ। फिर मैंने बोला ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके, फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके, सो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल में मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मतलब हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कहता यस आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। तो उसको बाद में पता चल गया, कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर मेरा, क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से। तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर, आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ सर? बस ऐसे ही, मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में पहली बार, सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फ़ायदा है, हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। यू नो इस इज एक्सेंट इज़ वेरी बैड, खासतौर पर लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश ख़राब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी, अवर मदर यूज टू स्लैब द क्लॉथ्स विद द थापी, पुट सम डिटर्जेंट देन छपक छप छप एंड आफ्टर दैट वर्क इज डन वी टेक दैट थापी एंड गो टू द गली एंड क्रिकेट। सो यू लाइक, कहता ये इट हैपन सेम इन द साउथ अफ्रीका, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है फिर, मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज कर गए तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते, तो बड़ी बात नहीं है सर।